नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है इंडिया नॉलेज। दोस्तों, भारत व चीन के बीच हालिया तनाव के कारण कई भारतीय नागरिकों ने चीन के साथ साथ दूसरे देशों के प्रोडक्ट पर बैन लगाने का फैसला किया है। लोग अब भारतीय प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहते हैं जो भारत में बनी हो या भारतीय कंपनी हो, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो। लोग अब भारतीय मोबाइल फ़ोन और भारतीय ब्रांडों का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर भारतीय नागरिकों को पता ही नहीं है कि कौन से ब्रांड भारतीय हैं और कौन से नहीं। हमारा आज का टॉपिक यही है दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद ओप्पो। यह एक चाइनीज़ कंपनी है। यह 2002 में बनी थी। इनके फाउंडर हैं टोनी चेन। हेडक्वार्टर है चाइना में। बात करते हैं वीवो की। यह भी एक चाइनीज़ कंपनी है दोस्तों। यह 2009 में बनी थी। फाउंडर हैं चेन विंग। हेडक्वार्टर है चाइना। दोस्तों, थर्ड नंबर पर है रियलमी। यह भी एक चाइनीज़ कंपनी है। फाउंडर की बात करें तो फाउंडर हैं चाइनीज़ एक्टर स्काई ली। तथा दोस्तों, बात जो गौर करने वाली है वह है रियलमी के CEO नव भारत, जो कि इंडिया से हैं, पर यह चाइना की कंपनी है। यह बात याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों, नंबर चार पर है जियोनी। यह भी एक चाइनीज़ कंपनी है जो 2002 में बनी थी। फाउंडर हैं लियू लिरोंग। बात करते हैं रेडमी की। यह भी एक चाइनीज़ कंपनी है जो बनी थी 2006 में, और यह शियोमी का सब ब्रांड है दोस्तों। दोस्तों, बात करते हैं मोटोरोला की, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। बात करें आईफोन की, यह भी एक अमेरिकन कंपनी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नोकिया की। यह एक रशियन एम्पायर है। यह 1865 में बनी थी। हेडक्वार्टर है एस्पो फिनलैंड। बात करते हैं सैमसंग की। यह एक साउथ कोरिया की कंपनी है जो 1938 में बनी थी। दोस्तों, बात करते हैं भारतीय मोबाइल कंपनीज के बारे में। पहले स्थान पर है माइक्रोमैक्स। यह भारतीय कंपनी है। यह 2002 में बनी थी। इसके फाउंडर हैं मोहित शर्मा तथा हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। दूसरी कंपनी है कार्बन मोबाइल। यह भी एक भारतीय कंपनी है। इसकी शुरुआत सन 2009 में हुई थी। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तीसरी भारतीय कंपनी है लावा। यह 2009 में बनी थी। हेडक्वार्टर है यूपी नोएडा तथा फाउंडर हैं हरिओम राय। दोस्तों, फोर्थ नंबर पर है जोलो। यह भी एक भारतीय कंपनी है। यह कंपनी लावा की सहायक कंपनी है दोस्तों। पांचवी कंपनी है यू। यह एक भारतीय कंपनी है। यह माइक्रोमैक्स की सहायक कंपनी है तथा इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। संस्थापक हैं राहुल शर्मा, जो कि माइक्रोमैक्स के भी सह संस्थापक हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।